हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र के बारे में। तो इसमें हम लोग देख चुके थे राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख तो चुके हैं। अब बात कर रहे थे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पार्ट बी अंतर्राष्ट्रीय विकिरणों के बारे में। और लास्ट हम लोग देख चुके थे सऊदी अरब FATF की सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बना। आपको बता दें अभी तक जो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं ये आप लोगों को एक ही सूची में मिल जाएगा, समसामयिकी घटना चक्र 2019 के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में सभी ये लेक्चर पड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आतंकी संगठन घोषित किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA एक सशस्त्र आतंकवादी संगठन है जो बलूचिस्तान प्रांत हेतु अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग को लेकर पाकिस्तान की सरकार के विरोध में आतंकी गतिविधियों में संलग्न है। यह संगठन सुरक्षा बलों, नागरिक और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाता है। 2 जुलाई 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद संगठन की संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियां और बैंक खाते जब्त हो जाएंगे। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान प्रांत की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। गौरतलब है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आधिकारिक रूप से शुरुआत 2000 में हुई थी, सन 2000 में हुई थी। हालांकि यह संगठन स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग को लेकर 1970 के दशक से सक्रिय है। खनिज संपदा से संपन्न बलूचिस्तान से होकर पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है जिसका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कड़ा विरोध कर रही है। अमेरिका के अतिरिक्त पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहले ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। आगे बात करते हैं जापान IWC की सदस्यता का त्याग किया। अंतर्राष्ट्रीय हेलिंग आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य हेल का संरक्षण करना है, हेल का प्रबंधन करना है। 2 दिसंबर 1940 को वॉशिंगटन DC में हस्ताक्षरित वेलिंग के विनिमय हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के तहत इस आयोग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसमें 88 देश सदस्य थे। 26 दिसंबर 2018 को जापान ने अंतर्राष्ट्रीय हेलिंग आयोग से अपने को अलग करने की घोषणा की थी। जापान ने 30 वर्ष से भी अधिक समय के उपरांत अपने जलीय क्षेत्र में व्यवसायिक हेलिंग पुनः जुलाई 2019 से प्रारंभ कर दी है। व्यवसायिक हेलिंग अर्थात व्यवसायिक उद्देश्यों हेतु हेल का शिकार केवल जापान के क्षेत्रीय जल तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। जापान अंटार्कटिक महासागर एवं दक्षिणी गोलार्ध में हेल का शिकार नहीं करेगा। इस आयोग का सदस्यता त्याग छोड़ने का उद्देश्य जापान द्वारा अपने स्थानीय समुदायों को हेल से जुड़े रोजगार में संलग्न कर उनकी जीवन शैली और संस्कृति को सुरक्षित रखना है। इसके अतिरिक्त जापान अंतर्राष्ट्रीय हेलिंग में आयोग द्वारा वर्तमान में संरक्षित प्रजातियों से जैसे मिंक हेल इत्यादि का स्वतंत्र रूप से शिकार करने में सक्षम होगा। उल्लेखनीय है कि भारत 1981 से अंतर्राष्ट्रीय हेलिंग सदस्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। 18 जून 2019 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण में फर्म क्वारेली साइमंड्स OS QS द्वारा जारी की जाने वाली इस वार्षिक सूची का यह 16वां संस्करण है। गौरतलब है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 1000 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की जाती है जिसमें भारत के 23 संस्थानों को जगह मिली है। इन 23 भारतीय संस्थानों में 5 निजी वित्त पोषित तथा शेष
सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को 152वां स्थान मिला है। आईआईटी बॉम्बे को लगातार दूसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ है। 20 विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में जगह बनाने वाले अन्य दो भारतीय संस्थान है आईआईटी दिल्ली 185 और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 184वें स्थान पर। इस सूची में भारत के निजी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान है मणिपाल एकेडमी फॉर ऑफ हायर एजुकेशन को वेंडर 701 से 750 में शामिल किया गया। वर्ष 2009 में स्थापित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं यही एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019। 1 मई 2019 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 जारी की गई है। सेंदुआ विश्वविद्यालय चीन 83.1 के समग्र स्कोर के साथ रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 29वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 8 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इसे 751 से 800 रैंकिंग बैंड में जगह मिली है। इस सूची में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने लगातार 8वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर नानयांग टेक्नोलॉजी ऑफ सिंगापुर एशिया के 2 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं। दोनों ही सूची में संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर। बात करते हैं हम लोग जलवायु नीति में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची। वैश्विक मंच एपोलिटिकल द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों की सहायता के लिए जलवायु 100 जलवायु नीति में विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति नामक सूची हाल ही में जारी की गई है। इस सूची इसे वार्षिक सूची का प्रथम संस्करण है। 2019 के लिए जलवायु नीति में विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में 7 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन से? पीयूष गोयल जी केंद्रीय रेल मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन तत्कालीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, मुक्ता तिलक पुणे के मेयर, ज्योति ग्रेट फारेक इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट की कार्यकारी निदेशक, सुनीता नारायण पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की महानिदेशक, वंदना सेवा पर्यावरण कार्य कत्ती और रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी की संस्थापक और उपेंद्र त्रिपाठी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महानिदेशक। ठीक, ये 7 लोग भारत के नेता हैं। आगे बात करते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा की। 1 मई 2019 को ब्रिटेन की संसद ने पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि यूके की संसद की निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में जलवायु आपातकाल घोषित करने का प्रस्ताव विपक्षी लेबर पार्टी ने पेश किया था। यह घोषणा कानूनी रूप से सरकार को कार्रवाई के लिए बात नहीं करती। यह घोषणा संसद में सर्वसम्मति से पारित की गई और ब्रिटेन घोषणा करने वाला पहला देश बना है। ब्रिटिश संसद में पर्यावरण और जलवायु आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित घटनाओं के फलस्वरूप की गई। किशोर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग की संसद यात्रा, डेविड एटनबरो की डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लाइमेट चेंज द फैक्ट्स के प्रदर्शन और पर्यावरण मामलों से संबंधित समूह एक्सी ट्रैक्शन रेविलियन द्वारा लगातार 11 दिन तक विरोध का प्रदर्शन। आपातकाल घोषणा सरकार ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य अपनाने का आग्रह किया है। सरकार ने 6 महीने के भीतर एक सर्कुलर के साथ शून्य अपशिष्ट अर्थव्यवस्था के लिए नई योजना के साथ आगे आने का आह्वान किया है। ब्रिटेन के 9 मई 2019 को आयरलैंड
देश में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। अब बात करते हैं आगे। मसूद अजहर वैश्विक आतंकवादी घोषित हुआ है। भारत में मुंबई में हुए 26/11 हमले के पश्चात वर्ष 2009 में प्रथम बार पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद वर्ष 2016 में दूसरी बार और जम्मू कश्मीर की उड़ी सैन कैंप पर हमले के बाद वर्ष 2017 में तीसरी बार मसूद अजहर की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने हेतु प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रत्येक बार चीन द्वारा इस प्रस्ताव पर वीटो करने के कारण इस पर रोक लग गई। 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ISIL एवं अलकायदा प्रतिबंध समिति द्वारा पाकिस्तानी चरमपंथी एवं जैश ए मोहम्मद संगठन के संस्थापक मोहम्मद मसूद अजहर अलवी को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। समिति द्वारा ISIL अलकायदा एवं सहयोगी व्यक्तियों समूह उपक्रमों और एवं संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 1999 में 1989 2011 2253 2015 के तहत मसूद अजहर के नाम को प्रतिबंधित सूची में सूचीबद्ध किया गया। साथ ही संकल्प 2368 2017 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लागू किया गया। 27 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने मौजूद मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने हेतु एक मसौदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा, परंतु इस बार वैश्विक दबाव के आगे चीन झुक गया तथा उससे इस प्रस्ताव का वीटो नहीं किया। परिणामतः मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में सफलता प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। यूएसए संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि से बाहर होने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि दिसंबर 2014 में लागू हुई थी। वर्तमान में विश्व के 130 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता एवं 105 देश इसके पक्षकार हैं। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है। 26 अप्रैल 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियानापोलिस में आयोजित नेशनल राइफल एसोसिएशन की कन्वेंशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संस्थ व्यापार संधि से बाहर होने की घोषणा की। UNATT का उद्देश्य विभिन्न देशों के मध्य पारंपरिक हथियारों के व्यापार, जिसमें अग्निशास्त्र से लेकर सैन्य विमान की सभी कुछ शामिल है, हेतु अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करना है। इस संधि का पर ओबामा प्रशासन ने 2013 में हस्ताक्षर किया था, परंतु यूएसए की सीनेट ने अब तक इसे समर्थित नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अमेरिकी हितों एवं राष्ट्र की संप्रभुता का हवाला देते हुए सीनेट से संधि को अनुसमर्थित नहीं करने एवं इसे लौटाने का आग्रह किया है। यूएसए के अनुसार UNATT में वर्ष 2020 में ऐसे संशोधन की संभावना है कि जिन्हें यूएसए समर्थन प्रदान नहीं कर सकता। वर्तमान में रूस और चीन जैसे देश इस संधि से बाहर हैं, जिसमें UNATT के मुख्य उद्देश्य अर्थात हथियारों का गैर जिम्मेदाराना स्थानांतरण एवं हथियार व्यापार कभी नहीं पूर्ण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। USTR विशेष 2301 रिपोर्ट जारी हुई है 2019 में। विशेष 301 रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापक व्यापारिक भागीदारों को चिन्हित करती है, जो अपने देश में उचित एवं प्रभावी ढंग से बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन में सक्षम रहे या फिर अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर निर्भर अमेरिकी अन्वेषण एवं निर्माताओं को बाजार से इनकार करते हैं। 25 अप्रैल 2019 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा अपनी वार्षिक विशेष
301 रिपोर्ट जारी की है। यूएसटीआर ने इस रिपोर्ट में दो निगरानी श्रेणियों के अंतर्गत कुल 36 देशों को चिन्हित किया है। प्राथमिकता वाली निगरानी सूची कुल 11 देश अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कुवैत, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन एवं वेनेजुएला शामिल है। द्वितीय सूची इसमें 25 देश शामिल हैं, वारोडोस, बोलिविया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनियन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मिस यूनान, ग्वाटेमाला, जमैका, लेबनान, मेक्सिको, पाकिस्तान, पराग्वे, पेरू, रोमानिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, वियतनाम शामिल हैं। यूएसटीआर द्वारा जारी वर्ष 2018 की रिपोर्ट में भारत भी प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्थित टैंक रोड स्थित वैश्विक कुख्यात बाजारों की सूची 2018 में शामिल हुई। ठीक, अब बात कर लेते हैं एशियन टी अलायंस की नींव दिसंबर 2018 में इंडियन टी एसोसिएशन एवं चाइना टी मार्केटिंग एसोसिएशन की मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन से पड़ी थी। इस समझौते के अनुसार भारत एवं चीन के अलावा यूरोप, यूएसए, रूस, पश्चिमी एशिया बाजारों में हरी एवं काली चाय के उपभोग को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किया जाएगा। 19 अप्रैल 2019 को चीन के गुई छाओ शहर में 5 चाय उत्पादक एवं उपभोग करने वाले देशों के संघ ने एशियन टी अलायंस के गठन की घोषणा की है। इस अलायंस में इंडियन टी एसोसिएशन भारत, चाइना टी मार्केटिंग एसोसिएशन चीन, श्रीलंका टी बोर्ड, इंडोनेशिया टी मार्केटिंग एसोसिएशन इंडोनेशिया, सेंट्रल टी एसोसिएशन जापान ऑफ जापान, ठीक है, कौन कौन शामिल है इसमें? चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जापान। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य एशियाई चाय उद्योग के भविष्य हेतु एक सतत एजेंडा निर्मित करना है, जिससे वैश्विक स्तर पर सतत चाय उद्योग की दिशा में एक साथ कार्य किया जा सके। इस अलायंस की योजना वैश्विक स्तर पर चाय के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ चाय के व्यापार को बढ़ावा देने तथा संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करना है। बात करते हैं हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 के बारे में देख लेते हैं। 18 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा विश्व प्रेस सूचकांक 2000 स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जारी किया है। इस सूचकांक में विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को वहां पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में लगातार तीसरे वर्ष नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में अंतिम स्थान पर तुर्कमेनिस्तान है। विश्व वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत 140वें स्थान पर है, जिसका स्कोर है 45.67। वर्ष 2018 के सूचकांक में भारत 138वें स्थान पर है। तो याद रखना है शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे। अंतिम पर कौन है? तुर्कमेनिस्तान। और भारत 140 पर है। और इसमें एक बात और याद रखना, कितने देश इसमें शामिल है? 180। ठीक, और रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। 4-5 पॉइंट ही याद रखना। ठीक, आगे बात करेंगे फॉर्च्यून 50 महान मार्गदर्शकों की सूची।